सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज 16 जुलाई 2024 है, तो आज मैं फिर यहाँ पर कुछ नए क्वेरी के साथ प्रेस्टीज सिटी सरजापुर में आया हुआ हूँ, इनके मार्केटिंग ऑफिस में, क्योंकि व्यूअर्स के बहुत ही वाइटल क्वेरीज थी कि जब भी आप उधर कभी विज़िट करें तो ये पता करने की कोशिश करें कि वहाँ पर फोरम माल जो कि था कि वो कब बना के दे भी रहे हैं तो कब दे रहे हैं। और दूसरा जो उनका पॉइंट था कि इसकी डिलीवरी डेट क्या होगी, लाइक एस्पेन ग्रीन बिला और एवलॉन जो शुरू में लॉन्च हुए थे, और जो इसका विजिटिंग जो है व्हेन दे विल अलाउ फिजिकल विजिटिंग। तो ये तीन प्राइमरी क्वेश्चंस हैं। इसका मैंने अभी इनके जो सेल्स ऑफिस से, राइट नाउ आई एम हियर, तो इनके सेल्स ऑफिस से अभी पूछा है। तो पहला तो ये है कि जो एस्पेन ग्रीन बिला है उसका पोजीशन डेट दे विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त एज वो सब बन के तैयार हो गए हैं, और एवलॉन का फरवरी 2025। और जैसा कि मैंने बताया एस्पेन ग्रीन बिला का जो है ये पोजीशन विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त 2024। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं ये मार्केटिंग ऑफिस में हूँ, और ये फोरम माल का ये है कि फोरम माल दे विल जस्ट जब बिला पोजीशन हो जाएगा उसके बाद फोरम माल एट द एंट्री गेट दे विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। और फिजिकल जो अभी जो आपको विजिटिंग है टू फ्लैट और बिला, दे हैव नॉट एट डिसाइडेड फॉर द बायर्स टू एंटर। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। जस्ट सी आई एम देयर राइट नाउ इन देयर मार्केटिंग ऑफिस, एंड इसके साथ ही मैं आपको आगे का भी व्यू इसका दूंगा। सो व्यूअर्स, अभी मैं इनके मार्केटिंग ऑफिस से बाहर आ गया हूँ, और मैं आपको दिखाने की यहाँ का, चूंकि सिंस मैंने यहाँ पर विजिट किया है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो फोरम माल है वो अभी ये नेक्स्ट ईयर जो बिला पोजीशन है जो कि अगस्त 2024 इसी साल होने वाला है उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे एट द एंट्री गेट। और दूसरा ये फिजिकल जो अभी इंट्री है बायर्स की, वेदर एवलॉन और मेरिडन पार्क और एस्पेन ग्रीन बिला, वो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। तो अभी मैं सेल्स ऑफिसर हूँ, तो यू कैन जस्ट सी, मैं आपको इनका हर जो छोटा सा जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो भी इनका व्यूज़ है, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर, ये जो है ईडन पार्क जो कि एवलॉन के जस्ट बगल में है, उसका कंस्ट्रक्शन जोरों पे चल रहा है। जस्ट अगेन जूम इट आउट और आप देखिए, जैसा कि मार्केटिंग ऑफिस के जस्ट मैं बाहर हूँ तो वहाँ से व्यू दे रहा हूँ, और जब बाहर जाऊँगा इसके सेल्स ऑफिस के बाहर निकलूँगा तो मैं वहाँ से आपको प्रॉपर व्यू आप तक जो भी कंस्ट्रक्शन का है दूँगा यहाँ से। जस्ट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए काइंडली डोंट स्किप द वीडियो। सो जो बायर्स हैं या जो इच्छुक हैं, रीसेल भी इसमें होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इतने बड़े प्रोजेक्ट में सभी कोई रहने के लिए नहीं लेता है, कोई ना कोई तो अपना रीसेल के लिए भी लेता है, जो प्रॉपर ग्रोथ, जो अगर ग्रोथ के बाद वो जो रीसेल है वो भी यहाँ पर होते हैं। सो जस्ट नाउ आई विल जस्ट शो यू, और यहाँ से आपको जब आप मार्केटिंग ऑफिस के इधर आ जाते हैं तो एवलॉन देखिए, पेंटिंग वगैरह पूरा सब उनका, इट इज़ यू कैन से लगभग बन के तैयार है। जो इंटीरियर है वर्क वो चल रहा होगा, क्योंकि अभी दे आर नॉट अलाइंग फिजिकल एंट्री, तो इसलिए मैं इस बारे में आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। जो प्राइमरी तीन क्वेश्चन थे कि फोरम माल के बारे में और रिगार्डिंग जो है और ये कब फिजिकल एंट्री अलाउ करेंगे या फिर जो है, इन सारे सवालों का मैंने मार्केटिंग ऑफिस से पूछा, तो जो जवाब उन्होंने दिया है वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। और आप देखिए अभी वी विद द कंस्ट्रक्शन मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये एवलॉन है, एवलॉन के सामने ही बिला कुछ तो शुरू में बन के तैयार हो गए हैं, लेकिन ये पीछे जो रियर साइड में आप देख रहे हैं
ये विला बन के तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं जस्ट बाहर आऊँगा एंड देन लास्ट में आप उधर देखिए, इस तरफ जो है एस्टन बन रहा है, एस्टन विला। मैरिडन इज़ बाई साइड ऑफ दिस, मैरिडन इसके बगल में मैरिडन आ रहा है। तो अभी मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ मार्केटिंग ऑफिस से, क्योंकि जितने सवालात हमें जो व्यूअर्स ने मैसेज के थ्रू पूछा था वो मैंने पूछ लिया है। एंड अब मैं आपको इधर की और भी जो कंस्ट्रक्शन है पार्ट वो मैं दिखाऊंगा। जस्ट आई एम मूविंग आउट फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफिस और आपको साथ साथ जो यहाँ पर वर्क हो रहा है वो भी मैं दिखाते चल रहा हूँ। और साथ में मैंने ये भी पूछा एक सवाल कि आपका और कोई प्री लॉन्च प्रेस्टीज का हो रहा है, तो उन्होंने लेटेस्ट प्री लॉन्च के बारे में बताया है कि जो वर्थूर से, जैसा कि मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, वर्थूर में जब आप एंट्री लेते हैं तो प्रेस्टीज रेंट्री करके वर्थूर में एंट्री लेने से पहले, मतलब आई मीन टू से लेक के तुरंत बाद जो है वो जो चीज़ है वो रेंट्री पार्क करके अभी 15 अगस्त को ये लॉन्च होगा। जस्ट आई एम शोइंग यू द ग्लिम्स ऑफ द वर्क। उसका रेट भी रेंट्री का काफ़ी हायर साइड में जाएगा। जस्ट मैंने अप्रोक्सीमेटली उनको रेट पूछा तो 15,000 स्क्वायर फीट, चूँकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, प्रोसेस है, तो मैं ज़्यादा उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता पाऊँगा। और अभी आप इसको देखिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर हो रहा है प्रेस्टीज सिटी में, उसका मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ। ये इनका द प्रेस्टीज सिटी एक्सपीरियंस सेंटर एंड ये जो है अभी मैं आपको जो विला बने हुए हैं वो उस तरफ भी लेके चलूँगा, लेकिन पहले आप इसको देखिए कंस्ट्रक्शन नेवलॉन का। क्योंकि मैंने अभी मार्केटिंग ऑफिस से पूछा, ये लोग अभी एंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एंट्री इज़ नॉट अलाउड। दूर से आप जो है फोटोज़ और वीडियो ले सकते हैं बट नॉट टू इंटर। और ये जो है मैरिडन, आप ये देखिए, ये ईडन एंड मैरिडन टुगेदर यू कैन से, ये प्रिपरेशन चल रही है इनकी। और बिला का जो रियर साइड बिला है उसका ये दिख रहा है आपको, जस्ट सी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इस तरफ ये जोरों से है, क्योंकि उस तरफ अभी जाने का दे आर नॉट अलाइंग दैट वे। पूछता हूँ, अगर दे विल अलाउ देन आई विल लेट यू नो। काफ़ी ह्यूज रोड है, प्रेस्टीज एक रेनोल्ड नेम है और जिसमें कि ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू भी अप्रिसिएशन काफ़ी मिलता है। और इनका जो कंस्ट्रक्शन है, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, वो लार्सन एंड टर्बो से होता है, पैन इंडिया इमेज है, लिस्टेड कंपनी इन BSE है और सराउंडेड बाई, जब प्रेस्टीज जहाँ भी जाता है तो अपने साथ एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाता है। और ये जिस लोकेशन पे ये है बिल्कुल इसके सामने, मैं दिखाऊंगा आपको प्रेस्टीज गेट, उसके सामने मेट्रो आ रही है एंड सराउंडेड बाई स्कूल्स, कॉलेजेस, IT कंपनीज एंड सो मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर इज कमिंग। और इस प्रेस्टीज सिटी में फोरम मॉल से लेके सो मैनी रेप्टेड मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये हॉस्पिटल्स, ये सब, चूँकि ये बहुत बड़ी इसका जो 188 एकर्स का ये प्रोजेक्ट है, दो गेट हैं, एंट्री गेट जो इस साइड में है, अनदर वन इज़ वेस्ट साइड खुलता है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी लग्जीरियस लाइफ ये देगा। और जब बनके तैयार हो जाएगा लगभग, इसमें काम आप जो मैं दिखा रहा हूँ, काम बहुत ज़ोरों से इसमें चल रहा है। तो बहुत मुश्किल से अभी जो है इन्होंने परमिट किया है इस रोड में, जबकि मैं पहले आता था तो एस्टन वगैरह ये रोड की तरफ नहीं आने देते थे। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है इधर। ये कंस्ट्रक्शन वर्क फुल स्विंग, मैरिडन का और एस्टन पार्क का ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप जब घुसते हैं तो एक ये राउंडल मिलता है, एक अनदर राउंडल यहाँ पर आ रहा है। जस्ट सी द वर्क फोर्स इज गोइंग देयर। और काफ़ी ह्यूज एरिया ये अभी कवर करते जा रहे हैं। ये इनका जो ऑल स्टोरेज एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे एक राउंडल बनेगा ये। जैसा कि मैंने कहा था, एक तो ये देखिए रोड, देखिए कितनी ब्रॉड रोड है, एक एंट्री एंड एग्जिट। तो एक तो आती है सरजापुर जब आप इंटर करते हैं, जैसा कि शुरू में देखिए, सबसे शुरू में एवलॉन पार्क है, फिर ईडन है, फिर मैरिडन है, और फिर इस तरफ जो है आप जाते हैं ये एरिया जो है ये एस्टन पार्क है, और फिर इसके पीछे जो गेट होता है वो वेस्ट गेट, वो नियर अबाउट वो कनेक्ट होगा वर्तूर से। और देखिए मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, जो इनका वर्क चल रहा है वो देखिए आप। आज मैं सोच के आया था कि आपको पूरा जो इसका व्यू मैं देने की कोशिश करूँगा। जो सवाल मेरे पास व्यूअर्स ने भेजे हैं उनका भी जवाब लेने की मार्केटिंग ऑफिस से पूछूंगा, एंड देन मैं ये पूरा अपडेट यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एज इट इज़ 188 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी ह्यूज जो जो बनता जा रहा है वो लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। अभी सारा इनका जो फोकस है वो मैरिडन पार्क और एस्टन पार्क की तरफ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इनके गैरेज और ये जो इनका इन्वेंट्री जहाँ पर रखी जाती है वो सामान का है। चलिए मैं अब इसके साथ आपको एस्पन ग्रीन विला और नज़दीक से एवलॉन दिखाऊंगा, एंड देन इसका एंट्री गेट जो है सरजापुर का वो दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। सो व्यूअर्स, मैंने आपको एस्टन और मैरिडन का जो फुल प्लेस वर्क चल रहा है और जो दूसरा रोड जो वेस्ट गेट की तरफ जाता है वो भी दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ईडन पार्क का जो है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन फुल फ्लेज में है। और ये देखिए आप एवलॉन का जो लगभग बनके तैयार हो गया है, इसका पेंटिंग वर्क भी आपको दिख रहा होगा। तो ये लगभग बनके तैयार हो गया है, इसमें पेंट हो रहा है, और लेकिन इसका देखिए आप जो लॉबी गेट है वो, और नज़दीक से मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी वर्क फोर्स जा रही है मॉर्निंग में। मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कम से कम वर्क फोर्स ही 1000 के करीब वर्क फोर्स डेली इसमें काम करती है। और ये देखिए एवलॉन का, जस्ट मैं लॉबी दिखाऊंगा आपको और जूम करता हूँ। बेहतरीन रोड जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर, नियर अबाउट यू कैन से 30 फीट 40 फीट रोड आइदर साइड, एक जाने का एक आने का।
और उसके सामने बिला मैं आपको फिर नज़दीक जाके दिखाऊंगा। और जस्ट यू सी ए फाइनल ग्लिम्स ऑफ एबलॉन एंड देन ईडन एंड देन दिस बे गोज टू मेरिडन। वो तो मैंने आपको जब मैं मार्केटिंग ऑफिस से बाहर आया था तो मैंने आपको दिखा दिया था। अभी मैं आपको एक क्लोजअप व्यू एबलॉन का भी दिखाऊंगा। देखिए आप एबलॉन का लॉबी गेट, थोड़ा मैं और जूम करता हूँ। पेंटिंग हो रखी है और बढ़िया से अभी जो भी है ये तैयार हो रहा है। और इसके पीछे का भी व्यू दिखाता हूँ। आई एम शोइंग वंस मोर एवलॉन। जो बायर्स बुक किए हैं उनके लिए एक अपडेट इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आज 16 जुलाई और दिन मंगलवार है तो मैं इधर विजिट करने आया हूँ, तो मैंने सोचा आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं रिगार्डिंग प्रेस्टीज सिटी में क्या हो रहा है उसका देता हूँ। और ये देखिए ये घर बन के लगभग तैयार है, इनका मैं आपको व्यू दे रहा हूँ। सारा सब कुछ बनके तैयार हो गया है। जस्ट सी, तो जिसकी पोजीशन डेट ये जो है अगस्त 2024 में, मैंने अभी मार्केटिंग ऑफिस से पूछा तो उन्होंने तो यही डेट बताई। एनी अल्टरेशन इन द पोजीशन डेट आई विल लेट यू नो। लेकिन अभी फिजिकल एंट्री किसी की भी अलाउ नहीं है। दिस इज देयर आपका गेट है ये, और इस तरह से ये बनके तैयार हो गए लगभग। ये लगभग बनके तैयार हो गए और उसी के सामने एग्जैक्ट ऑन द एंट्री गेट इफ यू का एस्पन ग्रीन बिला के सामने ये एवलॉन। तो फाइनली हमने आपको सब दिखा दिया है। अभी मैं आपको प्रेस्टीज का एंट्री गेट दिखाएंगे। सो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया था कि बाहर जाके मैं आपको इनका एंट्री गेट दिखाऊंगा। यू जस्ट सी कितना ह्यूज इनका एंट्री गेट है, जो कि एक तरफ जो नियर अबाउट यू कैन से 40 फीट आइदर साइड, जाने के लिए 40 फीट का चौड़ा रोड और आने के लिए 40 फीट का चौड़ा रोड। दो गेट हैं। ये गेट जो है सजापुर की तरफ से आता है, जस्ट उसी मेन रोड पे है ये। सरजापुर जब डोम संतरा से आप आते हैं नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर, तो ये रोड जो है ये रोड पे ही है और इसके सामने ही मेट्रो मिलेगी आपको। यदि आप सामने देखें प्राइम लोकेशन में तो यू कैन से कि मणिपाल क्लिनिक ये देखिए सामने है। और चांसेस है जब इतनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पर आएगी, यू कैन से 10,000 पीपल विल बी लिविंग हियर, और काफ़ी इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर होगा, सो मैनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे और काफ़ी लग्जीरियस लाइफ जो है तो इसमें होने वाली है। और ये लगभग पोजीशन के लिए जो पहले लॉन्च हुआ था वो तैयार हो गया है। तो ये काफ़ी प्राइम ग्रोथ इवन लिविंग पर्पज़ के लिए लग्जीरियस लाइफ, यदि कोई इसमें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू लिया है तो भी इसमें काफ़ी कुछ यील्ड मिलेगा। एंड प्रेस्टीज एक ब्रांड है, नेम है, लिस्टेड इन BSE है। और ये जो लोकेशन है सराउंडेड बाय सो मेनी IT कंपनी, कॉरपोरेट ऑफिस, बिजनेस सेंटर, ब्रांडेड स्कूल, कॉलेजेस,
और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ये सब कुछ, चूँकि इससे ज़्यादा भी, चूँकि 188 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो एज आई टोल्ड नियर अबाउट 10,000 पीपल विल बी लिविंग देयर। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप ग्रोथ देखें, सरजापुर, मैं हमेशा हर वीडियो में रियल इस्टेट में बोलता हूँ, दो ग्रोथ जो है टू साइड बेंगलोर में ज़्यादा ही अपफ्रंट है। एक है टुवर्ड्स एयरपोर्ट एंड दूसरी है टुवर्ड्स सरजापुर, और वो भी प्रेस्टीज जैसे ब्रांड में। यदि आप रहने के लिए भी ले रहे हैं तो भी आप फ़ायदे में हैं, और यदि आप अपने ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा निश्चित रूप से मिलने वाला है। सो व्यूअर, विद दिस मैंने कोशिश की है बायर्स को, और जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं शुरू में भी बोला कि इसमें ऐसा नहीं है कि सारे कुछ यहाँ रहने के पर्पज़ से ले रहे हैं, कुछ ग्रोथ पॉइंट से भी, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहते हैं, लिया है, तो रीसेल के लिए हमेशा आप ऑथेंटिकेटेड मार्केटिंग ऑफिस जो इनका प्रेस्टीज का है उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो बायर्स इच्छुक होंगे रीसेल में, तो अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे के प्रेस्टीज सेल्स ऑफिस से डायरेक्टली बात करके, और आप किसी ब्रोकर के थ्रू ना जाके उनसे बात करके, यू कैन हैव इट दिस इन माई ओपिनियन। तो ये आपको मेरा जो प्रेस्टीज सिटी का ब्लॉग है वो कैसा लगा। आई होप जो यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है या जो सोच रहे हैं इसमें से इन्वेस्ट करने के लिए, या जो यहाँ के बायर्स बाहर हैं, देश के बाहर हैं, तो उन तक मैं एक अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके आ पाया हूँ। विद दिस आई एम जस्ट बाइंडिंग अप माई दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू विद न्यू एंड वीडियो इन द रियल इस्टेट। टिल देन बाय एवरीबडी, बी हैप्पी विद योर फैमिली। ओके, बाय वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई चैनल।